नमस्कार दोस्तों, आरएएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, पहले इसे लाइनिंग पर कट करेंगे। 5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पर 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है आर्म होल की गुलाई के लिए, और इस तरह से कर देंगे। तो हमने कट कर लिया लाइनिंग पर। अब हमें इस पर पहले ये पफ बनाना है, तो उसके लिए हमने डबल फोल्ड में लंबाई 15 इंच ली है। लंबाई आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कपड़ा ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा चुन्नटी बनानी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। नीचे से हमने 6 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद बीच में जितना भी कपड़ा आएगा उसकी हमें चुन्नटें बनानी है। तो इस तरह से चुन्नट बना देंगे, बिल्कुल पास पास देखिए इस तरह से देनी है। अब इधर से भी इस तरह से चुन्नटें डाल देंगे। तो ये डाल दिया, इस तरह से डाल लेना है। उसके बाद जो लाइनिंग पर कट किया है उसको लेना है और यहाँ से इसको लगा लेना है। इस तरह से लगाना है, हमने लगा लिया। अब इसको कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा सा कट कर दिया, अब देखिए ये पव वाला पार्ट तैयार हो गया है। नीचे अब इसका देखिए इस तरह से पट्टी बनाएंगे। 4 इंच लंबाई ली है, अब 2 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमने 2 इंच पर गोलाई दे दी है। अब कपड़े को लेना है और इस तरह से रखना है, और जहाँ से देखिए निशान किया है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगानी है। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो ये कट किया, अब कट लगा लेना है। तो इस तरह से अब कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेना है अंदर की तरफ, और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए पलटने के बाद इस तरह से बनाते हुए सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद अब देखिए नीचे जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए डोरी बनाकर कट कर लेना है 2-2 इंच की। तो हमने डोरी बनाकर 2-2 इंच की कट कर ली है। अब इस तरह से इसको लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगा देंगे। अब पूरे पर इसी तरह लगा लेना है, जहाँ तक इसकी जितनी इसकी फिटिंग है वहाँ तक इस तरह डिजाइनें लगा ली हमने। अब इस वाली तरफ से देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ज़्यादा कपड़ा आ रहा है तो थोड़ा कट कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रखते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। बराबर से रख लेना है और सिलाई डाल देनी है। तो ये हमने बॉर्डर पट्टी लगा ली है पहले पप पर। अब हमें इस तरह से इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगानी हैं। तो इस तरह पूरे पर मोतियाँ लगा लेंगे। तो मोती हमने लगा ली है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ये गोल्डन डोरी ली है और इसको इस तरह लगाना है।
जहाँ से पट्टी लगाई है बिल्कुल वहीं से लगा देंगे और दो पॉइंट की दूरी पर दोबारा से लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।